आपको बताने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एग्जाम पेपर किस तरीके से टाइप करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो एग्जाम पेपर आपको यहाँ दिख रहा है, इस तरह का एग्जाम पेपर एमएस वर्ड में किस तरह बनाया जाता है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए देखते रहिए। अगर आप एकदम जीरो लेवल से कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स सीखना चाहते हैं, अपने इस चैनल पर एक इंस्टीट्यूट की तरह कंप्यूटर कोर्स की बेसिक से लेकर एडवांस तक की स्टेप बाय स्टेप वीडियोस डालते रहते हैं। अगर आप कंप्यूटर पर बिल्कुल भी काम करना नहीं जानते हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। करने बाद आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। तो आपके पास एक ब्लैंक पेज खुल करके आएगा, जिसमें सबसे पहला काम, अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है, चाहे वो एग्जाम पेपर हो या कोई एप्लीकेशन टाइप करना है या कोई नोट्स वगैरह आपको बनाने हैं, तो सबसे पहला काम जो आपको करना होता है वो होता है पेज सेटअप। उसके लिए लेआउट टैब में जाते हैं और पेज सेटअप आपको यहाँ ग्रुप दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहले पेज सेट करना होता है। क्योंकि अगर आपने पेज सेट नहीं किया और आपने पहले डॉक्यूमेंट टाइप कर दिया, बाद में आपने पेज सेट किया, तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट आपको फिर से अपना सेट करना पड़ेगा। इसलिए डॉक्यूमेंट बनाने से पहले पेज सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला काम हम इसमें करते हैं साइज। तो हम वो साइज लेते हैं जिस साइज पर हमें फाइल को बनाने के बाद उसका प्रिंट निकालना है। अगर आपने लीगल साइज पे फाइल अपने प्रिंट करनी है तो आप लीगल साइज लीजिए, उस पर बनाइए। अगर आप A4 पे प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको A4 पे बनाइए, क्योंकि जिस साइज पे आपने फाइल बनाया होगा फिर जब आप उसी साइज पे प्रिंट करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल सही प्रिंट होगा। दूसरा ऑप्शन होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पोर्ट्रेट अगर आप रखते हैं तो आपका जो पेज बनेगा वो लंबाई में बनेगा इस तरीके से, और लैंडस्केप रखते हैं तो वो क्षैतिज इस तरीके से, लैंडस्केप इस तरीके से निकलेगा, या फिर आप यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको ओरिएंटेशन चूज करना है कि आपको जो डॉक्यूमेंट बनाना है वो पोर्ट्रेट पे बनाना है या लैंडस्केप पे बनाना है। तीसरा काम होता है मार्जिन। देखिए, जैसे कि मार्जिन क्या होता है कि ये जो जगह छोड़ी जाती है साइड से, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट साइड से ये जगह छूट रही है, राइट से इतनी जगह छूट रही है ऊपर से, इसको मार्जिन बोलते हैं। तो नॉर्मल जो मार्जिन आता है बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में वो होता है 1-1 इंच। जैसे कि आप मार्जिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको नॉर्मल दिखेगा, जिसमें टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों साइड से 1-1 इंच होता है। अगर आप नैरो करते हैं तो नैरो में आधा आधा इंच होता है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। जैसे हम नैरो पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो मार्जिन होता है वो चारों साइड से आधा आधा इंच हो जाता है। इसमें और भी कई मार्जिन सेट होते हैं पहले से, तो जिस टाइप का आप मार्जिन लगाना चाहें वैसे लगा सकते हैं। अगर आप अपनी तरफ से कस्टम मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली अपना पॉइंटर यहाँ रूलर पर लेकर के आइए और यहाँ से खींच करके भी आप अपना मार्जिन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला काम आपको ये करना होता है, पेज सेटअप करना होता है। पेज सेट करने के बाद दूसरा काम, हम होम टैब पर आते हैं, जिसमें आपको क्या करना होता है कि आपने अपना फॉन्ट वगैरह सेट करना पहले, क्योंकि बाद में बार बार सेट ना करना पड़े इसके लिए। जैसे थोड़ा सा टाइप कर लो कंट्रोल ए करके, सबसे पहले फॉन्ट चूज करिए कि कौन से फॉन्ट में आप अपना जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं वो कौन से फॉन्ट में टाइप करना चाहते हैं। टाइम्स न्यू रोमन में करना चाहते हैं तो टाइम्स रोमन सेलेक्ट करिए। फिर दूसरा ऑप्शन होता है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज जो हम अपना कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं उसमें हम 14 का साइज रखते हैं, क्योंकि जब ये 14 का साइज जब प्रिंट होता है तो वो बिल्कुल सही साइज आता है ना, इसमें ज़्यादा छोटे अच्छे दिखते हैं ना ही ज़्यादा बड़े दिखते हैं, हालांकि वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। सबसे पहले फॉन्ट का सेट कर लिया हमने, फिर साइज सेट कर लिया। तीसरा काम इसमें एक और करना होता है, वो होता है लाइन स्पेसिंग का। ठीक है दोस्तों, लाइन स्पेसिंग अगर आपने कम ज़्यादा रखा है, जैसे आप देख रहे हैं ये जो दोनों लाइन लिखी आ रही है इनके बीच में काफ़ी स्पेस आ रहा है, तो आप कम मैट टाइप कर पाएंगे एक पेज पे, इसलिए ये काम आपको पहले करना है। तो यहाँ सेलेक्ट करके कंट्रोल ए करके पैराग्राफ ग्रुप में आपको ये ऑप्शन मिला लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इसको करिए 1.0 एंड लास्ट में जाएंगे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो लाइनों के बीच में पूरी तरीके से स्पेस हट जाएगा। स्पेस हट जाने के बाद तब आप अपना डॉक्यूमेंट टाइप करना स्टार्ट करिए, हालांकि बाद में अगर पेज में जगह बचती है तो आप बाद में उस स्पेस को बढ़ाए या कम कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सेटअप आपको पहले कर लेना है, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट टाइप करना स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हमने यहाँ पे टाइप किया किसी स्कूल का नेम, उसका एड्रेस, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, क्लास टाइप कर देते हैं, फोर्थ सब्जेक्ट टाइप कर देते हैं जो सब्जेक्ट है, और यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम, कितने टाइम
आपका पेपर है वो टाइम टाइप करेंगे और उसी लाइन में आपको टैप करते हुए आगे जाना है, और आगे जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है मैक्सिमम मार्क्स, तो कितने नंबर का पेपर है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। इसको बैक स्पेस करते हैं, स्पेस से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, नीचे आ जाते हैं। इसको अभी हम सेट करेंगे, उससे पहले यहाँ देखेंगे जब हमारा, और एक चीज़ और करनी है आपको, यहाँ पे आपको चार बार बराबर का साइन बनाने हैं और एंटर कर देना है, तो वहाँ एक डबल लाइन इस तरह अंडरलाइन बन के आ जाएगी। अब इसके बाद हम अपना पेपर टाइप करना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फॉन्ट साइज, फॉन्ट जो है जो आपने सेट कर रखा है वो है कि नहीं, टाइम्स न्यू रोमन जो भी आपने सेट कर रखा है, फॉन्ट साइज 14 इतना होना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना हमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें जैसे कि लिखना है, तो उसके लिए हमने आपको पिछली वीडियो में पैराग्राफ वाली वीडियो बनाई, उसमें हमने नंबरिंग बुलेट्स वगैरह सब बताए, तो आप यहाँ से नंबरिंग लगा सकते हैं। हालांकि आपको वहाँ से नंबरिंग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी नंबरिंग लगानी है, जैसे आपको 1, 2, 3, 4 वाली नंबरिंग लगानी है, तो आपको 1 डॉट करके टैब बटन दबाना है, टैब दबाते ही वो ऑटोमेटिक नंबरिंग में बदल जाता है। जैसी भी आपको नंबरिंग लगानी है, अगर आपको कैपिटल ABCD लगानी है तो आपको A डॉट टैब करना है, टैब या स्पेस करिए, तो वो ऑटोमेटिक नंबरिंग में बदल जाता है। या फिर आप ब्रैकेट में भी लगा सकते हैं, जैसे कि 1 ब्रैकेट लगाइए फिर टैब दबाइए, तो आपकी नंबरिंग जो है वो ब्रैकेट में आई। यानी आपको इससे क्या होगा, आपके शॉर्टकट तरीके से नंबरिंग लग जाएगी, आपको यहाँ ऊपर से लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, तो 1 डॉट टैब, और यहाँ पे हमने लिखा जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंटर किया, तो 1 के बाद में 2 आ रहा है, जबकि हमें क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन देना है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि एक बार बैक स्पेस करना है, एक बार बैक स्पेस करने पर क्या होगा, आपका कर्सर वहीं रहेगा और आपको जो नंबरिंग लगानी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट या क्वेश्चन नंबर 1 का ABCD आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जैसे हमने कि यहाँ पे फर्स्ट स्मॉल आई लगा के आपको डॉट लगाना है और टैब दबाना है, तो वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाली नंबरिंग बन जाएगी। तो जैसे यहाँ पे हमने कोई क्वेश्चन दिया, इसके बाद सेकंड आ रहा है, पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अब हमें ऑप्शंस देने हैं, तो यहाँ फिर से एक बार बैक स्पेस करिए, तो आपका कर्सर वहीं रहेगा, वो नंबरिंग हट जाएगी। अब आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो ऑप्शंस देने हैं, जैसे वो दूसरी नंबरिंग में आपको देने होंगे, जैसे स्मॉल ए डॉट और उसके बाद टैब बटन दबाइए, टैब दबाते वो ऑटोमेटिक नंबरिंग में बदल जाएगा। इसमें टैब दबा करके आपको कर्सर थोड़ा आगे लाना है, यहाँ आप ब्रैकेट लगाइए 1, 2, 3, 4 या 5 जो भी स्पेस आप देना चाहें वो दीजिए, उसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। देखिए एक लाइन में एक ही बार हम नंबरिंग लगा सकते हैं, आगे अगर आपको नंबरिंग लगानी है तो आपको टैप करके अपना कर्सर आगे लाना होगा, फिर आप मैन्युअली आपको वहां पे उस नंबरिंग को टाइप करना पड़ेगा। जैसे दूसरा ऑप्शन हमने दिया, फिर टैप बटन दबाया, एक और टैप दबा दें और यहाँ पेस्ट कर देंगे उसको, क्योंकि हमने पहले से कॉपी कर रखा था, फिर टैप करके तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पेपर को अच्छे से सेट करके बना सकते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और फर्स्ट के हमने ABC ऑप्शन दे दिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आना है, तो आपने यहाँ पे 3 टाइम एंटर करना है, 1, 2, 3। तो जैसे आप 3 टाइम एंटर करते हैं तो आपका कर्सर एक लाइन का स्पेस के साथ नीचे आ जाता है। अब आपको दूसरा क्वेश्चन लिखना है, यानी सेकंड क्वेश्चन, तो आपको लिखना होगा सेकंड डॉट और टैब बटन दबाना है। जैसे आप टैब दबाएंगे आपका जो नंबरिंग है वो ऑटोमेटिक इसके लेवल में आ जाएगा, यहाँ पर आप आसानी से दूसरा पेपर, सॉरी दूसरा क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमने दिया, एंटर किया, अब फिर थर्ड आ रहा है, तो थर्ड हमें यहाँ पे टाइप करना नहीं अभी, तो एक बार बैक स्पेस करिए, ए डॉट टैब दबाइए, तो ऑटोमेटिक वो भी नंबर में बदल जाए। फिर आपको यहाँ पे फिर टैब दबाना है, जिससे आपका जो कर्सर है वो एग्जैक्ट इस ब्रैकेट के नीचे आएगा बराबर, कंट्रोल वी करिए। अगर आप यहाँ स्पेस वगैरह यूज करते हैं तो आपके जो कर्सर है या अपने जो ब्रैकेट आप लगा रहे हैं वो थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, पर जब आप यहाँ पे टैब बटन का यूज करते हैं तो ये बिल्कुल बराबर में आते हैं। फिर टैब दबाई, फिर टैब दबाई, जब तक आप उसके बराबर में आ जाए तब यहाँ पे हम इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। फिर टैब दबाए, कंट्रोल वी, तो आप देख रहे हैं कि ये जो ब्रैकेट हमारे बन रहे हैं वो बिल्कुल एक लेवल में आ रहे हैं जो भी ऑप्शन लिखे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 जाना है तो एंटर एंटर एंटर, थर्ड लिखिए, डॉट लगा के टैब दबाइए, तो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाए। तो इस तरीके से आप पेपर को सेट करके टाइप कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और मैं टाइप कर देता हूँ, एंटर, बैक स्पेस किया, ए डॉट टैब, फिर टैब
टैप किया कंट्रोल वी, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी कॉपी कर रखा है। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक टैप टैप कंट्रोल वी, सी ऑप्शन हमने यहाँ पे दिया, फिर टैप किया। अगर आगे जा रहा है तो कंट्रोल वी कर दो केवल, थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि टेक्स्ट सॉरी उसमें जगह नहीं है इसलिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हो गया हमारा, अब हमें क्वेश्चन नंबर टू पे आना है, तो आपको यहाँ पे भी थ्री टाइम एंटर करना है, वन टू थ्री। अब नंबर टू हमें टाइप करना है, जैसे फिल इन द ब्लैंक से मान लेते हैं, तो आपको लिखना है टू डॉट और टैप दबाना है। जैसे आप टैप दबाएंगे तो ये जो टू है वो ऑटोमेटिक वन की लेवल में आ जाएगा इस तरीके से। तो आपको नंबरिंग क्या है, आपको ऊपर से भी नहीं लगानी पड़ेंगे, आप डायरेक्टली नंबरिंग टाइप कर सकते हैं। अब एंटर किया हमने तो टू के बाद थ्री आ रहा है। अब यहाँ देखिए कि क्वेश्चन नंबर वन का जो पहला क्वेश्चन हमने दिया था उसमें नंबरिंग दी हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो टू वाले में भी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड देना है। यहाँ पे आपको एक बार बैक स्पेस दबाना है, फर्स्ट डॉट टैप, यहाँ पे आप उसका क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। अब देखिए जैसे नीचे ब्लैंक जगह छोड़ने के लिए आप डॉट डॉट का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप शिफ्ट के साथ माइनस आप टाइप कर सकते हैं, ऊपर की साइड ऊपर कीबोर्ड में दिया होता है माइनस, वहाँ से आप इसको आप कॉपी कर लीजिए सेलेक्ट करके, क्योंकि आगे फिर से कुछ पढ़ने वाली है तो आपको बार बार ना लगाना पड़े, इसके लिए आप इसको टाइप कर सकते हैं। अब एंटर किया तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर से ब्लैंक जगह छोड़ने तो कंट्रोल वी कर दीजिए, सीधा पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है फिर इन द ब्लैंक आसानी से आप टाइप कर सकते। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं हमारा ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर टू फिर इन द ब्लैंक। अब जैसे हमें लिखना है ट्रू फॉल्स के लिए अगला क्वेश्चन, तो एंटर 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 थ्री डॉट टैप दबाएंगे और टैप दबाते ही ऑटोमेटिक नंबरिंग सेट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने लिखा स्पेस ट्रू और फॉल्स, एंटर किया, यहाँ एक बार बैक स्पेस और फर्स्ट डॉट टैप, पहला क्वेश्चन जैसे हमने यहाँ पे लिखा। अब आपको क्या करना है, टैप बटन दबा करके आगे आना है, थोड़ा आगे आ जाते हैं और फिर जहाँ यहाँ से आप 1, 2, 3, 4, 5 या जितने भी स्पेस आप देना चाहें 4 या 5 स्पेस दीजिए, उसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लिखेंगे तो आपको उसको सेम साइज में आए, फिर से आपको ना टाइप करना पड़े। टैप 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 कंट्रोल वी, उसके बराबर में आकर के कंट्रोल वी कर दीजिए एंटर, इस तरीके से आप ट्रू एंड फॉल्स भी टाइप कर सकते हैं। टैप करिए जब तक आप टैप दबाइए, जब तक आप उसके बराबर में ना आ जाते। तो इस तरीके से आप फिल इन द ब्लैंक के ट्रू फॉल्स है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अच्छे से सेट करके अपना डॉक्यूमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से आप टाइप कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर के जो टाइटल वगैरह हमने लिखे हैं इसको आप सिलेक्ट करिए टाइम वाली लाइन को छोड़ करके, बाकी की इन लाइनों को सिलेक्ट करके हम सेंटर कर देते हैं और इनका साइज इन अक्षरों से थोड़ा सा बड़ा रख देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और आप चाहें तो मेन टाइटल जो स्कूल का नेम है उसको और थोड़ा बड़ा करके दिखा सकते हैं, और फॉन्ट अगर टाइटल का आप फॉन्ट चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। आप कई तरह के फॉन्ट आते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं मोनो टाइप कर सुबह, ये फॉन्ट अच्छा लगता है इसलिए हम इसको लगा देते हैं। तो इस तरीके से आपका जो डॉक्यूमेंट बनेगा, जो आपका एग्जाम पेपर बनेगा, वो काफ़ी अच्छे तरीके से सेट होकर के बनेगा। ठीक है दोस्तों।